अभी मैंने जस्ट डुबकी लगाई है मणिकरण साहिब के स्पॉट वाटर स्प्रिंग में। कि अगर आप यहाँ पर आकर नहाते हैं तो आपके जो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो चले जाते हैं। अभी आ चुके हैं हम बस स्टैंड, यहाँ मणिकरण के पीछे खड़ी है बस और अभी हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे जहाँ है हॉट वाटर स्प्रिंग। और यहाँ पार्वती नदी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ बहती हुई पीछे। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ऐसा मार्केट है, कंजस्टेड है थोड़ा लेकिन अच्छा है। और यहाँ से ही आगे के लिए रास्ता है गुरुद्वारे के लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ, शांति प्रिय लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी टूरिस्ट एरिया पर है। ऐसा लग रहा है कि वही छोटा सा टाउन है हिमाचल का और वहाँ बस मैं ऐसे ही रैंडम घूम रहा हूँ। यहाँ मोस्टली पंजाब से आते हैं, जो सिख कम्यूनिटी के लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा मणिकरण साहिब बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ गुरुद्वारे के पास और यहाँ जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक चौक टाइप का है, शायद यहाँ का मेन चौराहा है, ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का मेन चौराहा है। गुरुद्वारा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, प्राचीन श्री राम मंदिर है और देखिए कुछ ऐसी जगह है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ की, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रखी है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है यार, पहाड़ों में आपको ऐसी शांति प्रिय जगह कम देखने को मिलती है। कसौल की भीड़ भाड़ के बाद में, पहले कसौल में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी लेकिन अब कसौल में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं, मोस्टली पंजाब से और दिल्ली से चारों तरफ। जब से कुछ न्यूज़ फ्लैशेज हुई थी कसौल के बारे में कि ऐसे कैफ़ेज़ हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियंस नॉट अलाउड, उसके बाद सभी लोग यहाँ आने लगे, सभी लोग एक्सप्लोर करने आने लगे, देखने आने लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि बहुत बहुत सारे लोग कसौल आते हैं, मनाली से भी ज़्यादा लोग कसौल आते हैं। मनाली अगर आते हैं तो कसौल होते हुए ज़रूर जाते हैं। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस जगह की। माइक्रोफोन लाना मैं भूल गया यार इस ट्रिप पे, तो शायद मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो। आ चुके हैं शिव मंदिर मणिकरण और यहाँ जूते उतारने का स्थान है, यहाँ जूते आप उतार के अंदर जाइए दर्शन कीजिए। तो ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ भी हॉट वाटर स्प्रिंग है लेकिन वो नहाने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ नीचे है, मैं एक बार चलकर आपको दिखाता हूँ। तो ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा यहाँ, ये इतना फ्लोर तक इतना गर्म है, रोड भी इतना गर्म में खड़ा नहीं हो पा रहा यहाँ, थोड़ा स्मेली है, सल्फर जैसी स्मेल है। और एक यहाँ है पानी निकल करके आ रहा है नीचे और बहुत ज़्यादा ही गर्म है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म है यार, इसकी जो भाप आ रही है ना, जो वेपर आ रही है वो भी इतनी गर्म है कि लग रहा है कि बस जल जाएंगे हम लोग। एक छोटी सी टनल टाइप की है जो कि जाती है गुरुद्वारे के लिए। यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने अपने शूज़ वगैरह ऑफ कर रखे हैं।
लिए मैंने कैप लगा रखी है, मुझे रुमाल बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ सभी लोग लंगर ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं, बोला कि आप लोग भी पीजिए तो पीजिए, लंगर में आनंद आ गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना टेस्टी था, और बस बिल्कुल ये समझ लीजिए कि यहाँ आकर के बिल्कुल आत्मा तृप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब आत्मा बिल्कुल तृप्त हो चुकी है। पहले दिन आज हमारा पेट अच्छे से भरा था। अभी हम जा रहे हैं तो उसे सेवा करने, जहाँ हम लोग सेवा करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद में लोग लौटेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम थोड़ी सेवा करेंगे गुरुद्वारे में, यहाँ से रोटियाँ लेकर के जानी है नीचे। अभी मैंने जस्ट डुबकी लगाई है मणिकरण साहिब के स्पॉट वाटर स्प्रिंग में, बहुत बढ़िया था। और भाई लोग अभी भी नहा रहे हैं, पानी थोड़ा गर्म है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है, लेकिन जब एक बार आप डुबकी लगा लेते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के। गहराई में आपको दिखा देता हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच और ये मेरा यहाँ तक आता है, और गर्म यार अच्छा खासा गर्म है, लेकिन जब आप डुबकी लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी इसको फील करना है। इस कहते हैं इस पानी के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर एक बार आप यहाँ अंदर नहाते हैं तो बहुत सारे इसके डिसऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी से चली जाती है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ स्विमिंग, बहुत दिन हो गए मैंने स्विमिंग की भी नहीं है।